प्रयोग प्राश्बोध जो विधि है, प्रयोग विधि, इसका 6 प्रमाण के संबंध में विचार चल रहा है कि श्रुति क्रमपरम वाक्यम श्रुति, क्रमपरक जो वाक्य साक्षात मिलता है वो श्रुति है, और श्रुति के बाद अर्थ है। प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, यत्र क्रम निर्णय सार्थक क्रम, प्रयोजन के वश, प्रयोजन के कारण जहाँ क्रम का निर्णय लिया जाता है वो अर्थक क्रम है। और तीसरा है पाठक क्रम, पाठक क्रम है पदार्थ बोधक वाक्यानां ये क्रम स पाठक क्रम, पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है वो पाठ क्रम। उसके बाद में स्थान आया है, स्थानो नाम उपस्थिति, उपस्थिति को स्थान कहते हैं। जहाँ एक के अनुष्ठान पूर्वस्मिन पदार्थे अनुष्ठित, पूर्व पदार्थ के अनुष्ठित होने पर उसमें उत्तर पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी तो उसको उस प्रमाण से लिया जाएगा। एक के संबंध में दूसरे की उपस्थिति रहने से ऐसा हो सकता है, इसलिए उपस्थिति का यहाँ उदाहरण दिया था। सवनीय पशुयाग में यह दिखाया था कि उपस्थिति से इसको लेना चाहिए, क्योंकि आश्विन ग्रहण के अनंतर इसकी उपस्थिति होती है, इसलिए सवनीय पशु के संबंध में कहा गया था। उसके बाद मुख्य क्रम है, मुख्य क्रम है प्रधान क्रमेण यो अंगानां क्रमः, ये मुख्य क्रम है। मुख्य से यहाँ प्रधान को लिया, प्रधान कर्म को लिया है कि मुख्यानां कर्मणां क्रमः मुख्य क्रमः, ऐसा मध्यम पद लोप करके समास किया कि मुख्य पदों का क्रम, तो प्रधान कर्म का क्रम से ही अंगों का भी क्रम निश्चय हो, तो प्रधान क्रमेण यो अंगानां क्रमः मुख्य क्रमः ये कहा गया। तो जैसा अंगों का और प्रधान का, जिस जिस प्रधान के साथ जिस अंगों, जिस अंग का संबंध है उसी क्रम से उसको लेना पड़ेगा। जो विस्तार से जब याग करेंगे तो प्रकृति याग के अंतर्गत अनेक याग आएंगे, उन यागों का भी अंग रहेगा, उनका अनुष्ठान उस क्रम से किया जाएगा। यही कहा केन क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषां अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत् तदा सर्वेषां अंगानां स्वे स्वे प्रधाने तुल्यं व्यवधानं भवति। ये तुल्य व्यवधान में रहेगा, तुल्य व्यवधान होना यहाँ आवश्यक है। तुल्य व्यवधान होने से ही ये प्रयोग साहित्य सिद्ध होगा, प्रयोग साहित्य सिद्ध होने पर ये अपूर्व साथ में बने, प्रयोग में विलंब हो जाए, व्यतिक्रम हो जाएगा तो अपूर्व नहीं बनेगा, ये मीमांसकों के विचार है। तो समय और क्रम का बहुत महत्व रखते हैं इस विषय में, इसीलिए साहित्य रहने के कारण, साहित्य रखने के लिए। अभी आगे भी और उदाहरण देंगे आपको स्पष्ट होगा।
तो ऐसा साहित्य के प्राप्ति के लिए सहित होना, एककालीन अनुष्ठान प्राप्त होना, एककालीन तंत्र अनुष्ठान साहित्यम कहा था। एक काल में तंत्र अनुष्ठान साथ में अनेक का अनुष्ठान हो जाए, ये साहित्य साथ में होना, इतना ही सब जो समझते वही है, एक साथ हो जाना। तो उसके लिए निश्चित विलंब होना चाहिए, अनिश्चित विलंब नहीं होना चाहिए। अनिश्चित विलंब हो गया तो साथ में किया हुआ नहीं माना जाए, ऐसा नियम है। इसके कारण यहाँ मुख्य क्रम को इस क्रम से लिया जाएगा, नहीं अंग क्रम को मुख्य क्रम के अनुसार लिया जाएगा। व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने केषाञ्चित् अंगानां स्वयं प्रधानैः अत्यन्तम् अव्यवधानम् केषाञ्चित् अत्यन्तम् व्यवधानम् स्यात्। यदि व्युत्क्रमण से अनुष्ठान करते हैं, क्रम को भंग करके अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, किसी अंगों का प्रधान के साथ अत्यंत निकटता आ जाएगी और किन्हीं अंगों का प्रधान के साथ अत्यंत व्यवधान आएगा, इसमें साहित्य नहीं बन पाएगा, वो विच्छिन्न हो जाएगा, व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अपूर्व नहीं बनेगी। तो मन जैसा काम करता है उसी हिसाब से ही ये भी होगा। तो तच्च आयुक्तम, ये कहा प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधा, ये प्रयोग विधि का सारा तात्पर्य यही है कि साहित्य सिद्ध करना, मतलब निश्चित व्यवधान से, निश्चित पूर्वापर भाव से साहित्य सिद्ध करना, ये प्रयोग विधि का तात्पर्य है। पहले कहा गया कि प्रयोग विधि एक अलग विधि नहीं है, ये प्रधान विधि ही होते हैं, उसके अंतर्गत सबको लेकर के ये क्रम का निश्चय करता है, क्रम का विधान करता है। अतः प्रधान क्रमों भी अंग क्रमे हेतु हो, तब कहा कि इसीलिए ये प्रधान क्रम अंग क्रम में कारण बनेगा, अंग क्रम का निर्णय करने के लिए प्रधान क्रम को कारण मानना चाहिए। अदैव प्रयाजशेषेण आदौ आग्रेय हविषो अभिर्धारणम पश्चात ऐन्द्रस्य दध्नः आग्नेय इंद्रयागयोः पौर्वापर्यात्। इसके लिए अभी उदाहरण दे रहे हैं, इसीलिए अदैव कारणात्, इसी कारण से क्या पाठ नहीं हो, अदैव प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषो अभिधारणम्। पश्चादैन्द्रस्य दध्नः आग्नेय ऐन्द्रयागयोः पौर्वापर्यात्। एवं च द्वयोरभिधारणयोः स्वस्व प्रधानेन तुल्यमेकान्तरितं व्यवधानम्। व्युत्क्रमेणाधारे तु आग्नेय हविरभिधारण आग्नेययागयोरत्यन्तमव्यवधानम्। ऐन्द्रदध्यभिधारणे ऐन्द्रयागयोर्द्व्यन्तरितं व्यवधानं तच्चायुक्तमित्युक्तमेव।
अब जो है पहले जिसके बारे में चर्चा किया उसी को ही ले रहे हैं। दर्श और पूर्णमास में, दर्श में तीन याग है, पूर्णमास में भी तीन याग। दर्श में आग्नेय पुरोड़ाश, आग्नेय अष्टादश कपाल, और प्राजापत्य और अग्निशोमीय, ये तीन याग दर्श में है। आग्नेय, प्राजापत्य, अग्निशोमीय। इसी प्रकार दर्शयाग में ऐन्द्राग्नि एक याग है और ऐन्द्र ऐन्द्र दो याग है, ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम दधि। इस प्रकार से दर्श में और पूर्णमास में छह याग होगा, पहले बताया, इसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये छह याग में शेष हविष का अभिधारण नाम की एक अंग क्रिया है, अभिधारण नाम का अंग क्रिया, इसके बारे में कह रहे हैं। ये अभिधारण किस क्रम से करना चाहिए? प्रयाज शेषेण आदौ हविषो अभिधारणम, कि ये पंच प्रयाज होम के बाद में जुहू नाम के जो पात्र है उसमें किंचित आज्य अवशेष को लेगा, हविष घी आदि को लेंगे, और उसके द्वारा वेद्याम आसादितानाम हविषा, वेदी में जितने भी हविष रखे हुए हैं, जो भी हवन करने के लिए रखे हुए हैं, उनको अभिधारण विहित करता है, उनको थोड़ा ऐसे डालते हैं, धारा करते हैं। तो प्रयाज शेष से हविषाम अभिधारणम, इसका नाम ये अभिधारण है। प्रयाज के बाद ये होगा, प्रयाज शेष से हविषाम अभिधारण, क्योंकि दर्श और पूर्णमास के मुख्य याग के पहले प्रयाज अनुयाज होंगे, तो प्रयाज का अनुष्ठान होगा। पंच प्रयाज अनुष्ठान करने के बाद अब जो है हमें दर्श होगा तो आग्नेय याग करना है, और पूर्णमास है इंद्राग्नि याग करना है, जो भी करना उसका उनका हविष का अभिधारण करना है, उसमें घी छिड़कना है, ऐसे डालना पड़ेगा जितने हविष रखे हुए, जैसा हम पानी छिड़कते ऐसा थोड़ा थोड़ा घी डालते, ये अभिधारण क्रिया है। हाँ, हविष में जो जो रखा हुआ है वो अग्नि अग्निशोमीय होगा तो ना, आग्नेय याग हो तो पुरोड़ाशा है, और इंद्राग्नि याग हो तो उसमें भी पुरोड़ाशा है, फिर बाकी दो है ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम दधि, ये हविष है उसका, फिर प्राजापत्य में भी घृत है और पुरोड़ाशा है इसमें अग्निशोमीय में। इस प्रकार पुरोड़ाशा ही समझ लो, पुरोड़ाशा रखा हुआ है, ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम दधि भी रखे हुए हैं, तो जितने भी हविष रखे हुए हैं सब में अभिधारण क्रिया करेंगे। अब ये अभिधारण किया अंग क्रिया है, तब उसका क्रम का विचार करना है कि किसको पहले किसके बाद में कितना किसका अंदर संबंध देखना है। इसलिए बोला कि आदौ पहले अग्नौ हविषो अभिधारणम, आग्नेय अग्नि, आग्नेय हविष का, आग्नेय हविष है क्या है? पुरोड़ाशा है। हाँ, ये सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो पता नहीं चलेगा अभी बोला, क्योंकि हमको कर्म का संस्कार है ही नहीं ना, ये सब जो भी बोल रहा है जैसा हम स्कूल में पहले अंग्रेजी पढ़ने जाते ऐसा है, स्कूल में पहले क्लास में जब अंग्रेजी पढ़ाते कुछ पता नहीं चलता ये क्या बता रहे हैं, कौन सी दुनिया क्या बता रहे, तो बाद में पता ऐसे ही है क्योंकि बिल्कुल हमारा कर्म संस्कार नहीं है। तो आग्नेय हविष है, आग्नेय हविष अग्नि संबंधी हविष है, उसका जो हवन करने का पदार्थ हविष कहते हैं। ये पुरोड़ाशा है, पुरोड़ाशा को पहले अभिधारण करेगा, पश्चात ऐन्द्रस्य दध्नः, और बाद में जो ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम दधि, इसको सान्नाय या कहेंगे बाद में, जो दधि और पयः है इनका नाम सान्नाय है। तो पश्चात ऐन्द्रम दध्नः, दहि का अभिधारण करेंगे, और आग्नेय ऐन्द्रयागयो हो पौर्वा पर्याप्त। क्यों ऐसा है? क्योंकि आग्नेय और ऐन्द्रयाग का पूर्वापर भाव है, इसके कारण वो पूर्वापर संबंध से उसका अभिधारण करेगी, ये क्रम है। एवं जब द्वयोर अभिधारणयो हो, ये दोनों अभिधारणों का आग्नेय और ऐन्द्र का,
स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम। तो ये अभिधारण तो अंग क्रिया है, अंग है और उसका प्रधान है जो आग्नेय याग और ऐन्द्रयाग। तो स्वस्व प्रधानेन अपने अपने प्रधान याग के साथ तुल्यम, तुल्य समान रूप से एकांतरितम व्यवधान, एक अंदर होकर के व्यवधान आएगा, केवल एक का अंदर पड़ेगा व्यवधान। अच्छा ये देखिए, इसको आपको चित्र में दिखाया है, ये 135 पृष्ठ में हिंदी टीका में देखिए इसके बारे में कहते। पहले इसको समझते हैं। आग्नेय याग का अनुष्ठान सान्नाय से पहले होता है, सान्नाय मना ऐन्द्रम पयः ऐन्द्रम दधि, इसको समझना। किंतु सान्नाय से संबंध कुछ अंग क्रिया एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, कुछ दूसरे दिन अपेक्षित है, ये पहले कहा। यदि इसके सभी अंगों को प्रवृत्तिक्रम के अनुसार रख दिया गया तो नियमोल्लंघन तो होगा ही, कार्य भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि किसी भी दिन दही से काम लेने के लिए दूध को एक दिन पहले जमाना ही पड़ेगा। सान्नाय याग दही और दूध से संबंध रखने वाला याग है। इसके अतिरिक्त दूसरी कठिनाई यह होगी कि दो प्रधान यागों का तथा उनके अंगों में अनुचित अतिशय सामिप्य और दूरस्थता हो, ये अधिक सामिप्य और अधिक दूरस्थता ये दोनों सख्य नहीं है। सान्नाय याग के एक दिन पूर्व होने वाले अंग है। अब वो सान्नाय याग के एक दिन पूर्व होने वाले अंग क्या क्या है पहले बताए एक बार। शागाच्छेदन, वत्सापाकरण, दोहन आदि, ये पूर्व में होता है। वो बछड़े को हटाने के लिए एक लकड़ी चाहिए, वो एक लकड़ी लाएंगे, वो शागाच्छेदन है, उसको हटाने के लिए वो मंत्र पढ़ करके वो लकड़ी काट के लाएगा, उससे वो बछड़े को हटाएगा। उसके बाद वत्सापाकरण, वो बछड़े को अलग करना दूध दोहने के लिए, फिर दोहन, फिर उसके बाद देगी जमाना इत्यादि। दूसरे दिन के हैं उसका ही दूसरे दिन का कार्य है अवधान करना और हविष का अवधान करना और हविष का अवधारण करना और हविरासन में बिठाना। जैसा पहले हविरासन का बताया, हविरासन का स्थान में इसको बिठाया जाएगा। वो अभिषेक करके बिठाया जाता है ना, वो मंत्र आया था पुरुड़ाशा को बिठाने के लिए, पहले मंत्र है आसन, सदन और आसन दो आया था, तो उससे उसको किया जाता है। इतनी क्रिया दूसरे दिन की है। दूसरे ही दिन के आग्नेय याग के अंग कर्म है और उसी दिन आग्नेय याग का भी अंग कर्म में यह आएगा, अवधान, अभिधारण और हविरासन, इसमें भी समान है। इसके बाद क्रमशः मुख्य याग आग्नेय और सान्नाय संपन्न होंगे। इनका रेखा चित्र इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से उसका रेखा चित्र उन्होंने दिखाया। अच्छा यहाँ पूरे समझिए एक बार। एक देखिए याग है, दो याग है, अंग याग और प्रधान याग। प्रधान याग में हमारे पास आग्नेय और सान्नाय दो है, इसका नंबर डाला है 3 और 4। और अंग याग है सान्नाय का अंग और आग्नेय का, इसमें भी दो नंबर डाला। इसकी जो अंग क्रिया है पूर्व दिन में सान्नाय का अंग क्रिया शागोच्छेदन वत्सापाकरण दोहन आदि, ये शागोच्छेदन में पलाश की लकड़ी काट के लाना वो वत्सापाकरण इत्यादि करने के लिए, और पर दिन में दूसरे दिन में अवधान, अभिधारण, हविरासन, सबकी चर्चा हो गई है पहले। और उसी दिन में आग्नेय का अवधान, अभिधारण, हविरासन भी होगा। ये इतना जो है अंग के इसमें, और मुख्य याग हमारे पास दो है। अब इसमें कौन सा पूर्व रहेगा, कौन सा मध्य बाद में रहेगा, इसका आप देखिए। इसमें जो एक नंबर में डाला है, एक नंबर में डाला हुआ बहुत दूर में, उसका जो है 4 नंबर के साथ संबंध है। 4 नंबर सान्नाय है वो प्रधान याग, प्रधान याग का ही ये अंग है सान्नाय का, तो वो बीच में 2 का व्यवधान हो रहा है, 2 और 3 का व्यवधान है, उसी से वो इधर आ रहा है।
इसके लिए वो बहुत अंदर हो गया। अब जो आग्नेय और आग्नेय का अंग देखते हैं तो आग्नेय वहाँ पहले होता है, यहाँ दूसरे नंबर में है, क्योंकि आग्नेय का पूर्व दिन में कोई कार्य नहीं है, इसका मतलब ये दूसरे दिन ही इसका कार्य है। सान्याय का पूर्व दिन में कार्य है तो वो इसीलिए वो एक नंबर में चला गया, समझ रहे ना। दूसरे का दूसरे दिन का ही कार्य है इसलिए ये दोनों एक साथ हो गया। अब ऐसे में वो आग्नेय का जो संबंध है वो पहले आग्नेय का संबंध रहने से वो आग्नेय का अनुष्ठान सान्याय से पहले होता है, उससे उसमें भी वो प्रथम है और यहाँ भी द्वितीय है, और द्वितीय और वो प्रधान के साथ संबंध निकट आ गया, इसलिए दो और तीन में अत्यंत निकट संबंध हो, समझ रहे हैं। और ये सान्याय का तो पूर्व दिन में कार्य होने के कारण चतुर्दशी के दिन में कार्य होंगे तो इसके कारण वो बहुत दूर हो गया, फिर वो अंग याग प्रधान याग के बाद आग्नेय के बाद हो रहा है तो इसमें बहुत अंतराल पड़ गया, इसके बीच में दो का व्यवधान आ गया, इसीलिए ये क्रम ठीक नहीं है। अच्छा, फिर जो है मुख्य क्रम के लिए आगे दिखाया गया है, आगे जो नीचे वाला चित्र है, नीचे देखिए, दोनों का अंगों का साथ अनुष्ठित किया जाता है तो प्रधान संख्या चार से इनमें बहुत दूरी होगी और अंग क्रिया संख्या दो तथा प्रधान क्रिया तीन में अत्यंत सामीप्य होगा, ये हमको इष्ट नहीं है। अब यह प्रवृत्ति क्रम से अनुष्ठान करने पर होगी, जबकि मुख्य क्रम से, प्रवृत्ति क्रम आगे आने वाला है, प्रवृत्ति क्रम के अनुष्ठान करने पर यह स्थिति हो जाएगी, इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी। और मुख्य क्रम से अनुष्ठान करने पर, क्योंकि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपादिनाम अंगानाम आवृत्ति अनुष्ठाने प्रवृत्ति क्रम होता है, तो प्रवृत्ति क्रम से पहले दिखाया उसमें यह व्यवधान आ गया, उसके दृष्टि से यह प्रबल होगा, कौन सा हमारा ये जो मुख्य क्रम है, मुख्य क्रम प्रबल होगा। ये कैसा है इसमें देखिए, कैसे व्यवस्था करते हैं, याग है वैसे ही है अंग और प्रधान, ठीक है। अंग और प्रधान में अब जो है क्या कर दिया, देखना, बदल दिया, पहले वो आग्नेय चार नंबर में आ गया, अभी सान्याय पांच नंबर में आ गया, पहले कितने में, सान्याय चार में था, अब आ गया। अब कैसे बदला, देखिए, अंग पूर्व दिन का अनुष्ठान सान्याय के अंग, पूर्व दिन का अनुष्ठान सान्याय के अंग, शागव चेतन मत्स्यापकरण दोहन इत्यादि चतुर्दशी में हो गया, वो एक नंबर में आ गया। अच्छा, पर दिन का अनुष्ठान है, पर दिन का अनुष्ठान दो है, क्या है, सान्याय भी है आग्नेय भी है, दोनों समान है, इसलिए पर दिन का अनुष्ठान को आग्नेय को इस तरफ कर दिया, पहले क्या है आग्नेय का उस तरफ था, है ना, आग्नेय को दो नंबर में रखा गया था, अभी भी आग्नेय दो नंबर में है किंतु आग्नेय का जो प्रधान याग चार नंबर में चला गया, इसलिए ठीक ठीक एक का व्यवधान लाया। तो क्या किया उन्होंने कि ये अंग अनुष्ठान में पूर्व दिन का अनुष्ठान तो बदल नहीं सकते, वो सान्याय का पूर्व दिन का अनुष्ठान तो अवश्य करना पड़ेगा, किंतु उत्तर दिन का अनुष्ठान में सान्याय का अंग का पहले अनुष्ठान किया और आग्नेय नहीं, आग्नेय का पहले अनुष्ठान किया और सान्याय का बाद में अनुष्ठान किया। पहले में क्या है, सान्याय को पहले कर रहे थे, आग्नेय को बाद में कर रहा था, तब क्या निकटता ज्यादा हो गई, आग्नेय का अनुष्ठान के तुरंत बाद आग्नेय याग हो रहा, ऐसा हो गया। अब जो है सान्याय को बाद में करेंगे, आग्नेय को पहले करेंगे, आग्नेय अंगों को पहले करेंगे, तब क्या है बराबर रहेगा दूरी, क्या बराबर, देखिए कि पहले में एक नंबर का जो अंग है पूर्व दिन का अनुष्ठान का, ठीक है, उसका उसके साथ में जो उत्तर दिन का अनुष्ठान का एक का व्यवधान आ गया तीसरे नंबर में, और एक और तीस का तीन का एक व्यवधान आ गया, उसके बाद सान्याय का और आग्नेय के बीच में भी एक का व्यवधान आ गया, इसलिए इन्होंने मैथमेटिक्स जोड़ा है सारा, एक ही का व्यवधान से काम चला, समझ में आ रहा है कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो चित्र दिया है, चित्र नहीं देते तो हमको चित्र बनाना पड़ता था, इन्होंने सारे चित्र बना के दिया, बिना चित्र से तो आप कुछ भी नहीं पकड़ने वाले, चित्र बनाया उसको समझा रहे, चित्र में तो स्पष्ट है सब, कैसे दिखा रहे देखो, तो चार पांच नंबर दिखा रहे हैं ना,
वो पांच में व्यवधान कैसा है, एक एक का व्यवधान लाना है, पहले में इसमें अंदर देखना पड़ेगा। पहले में क्या था कि एक और चार में दो का गैप हो रहा था, तीन चार का गैप है, अब खाली नंबर ही पकड़ो पहले, उससे समझ में आएगा। तो दो का गैप वहाँ आ रहा था, वो ठीक नहीं है, क्योंकि दो तो अत्यंत निकट हो गया, दो अत्यंत दूर हो गया। अच्छा, अब क्या है, उसको बदला उन्होंने, बदल के क्या किया कि ये जो सान्याय और आग्नेय का जो अंग है उसमें आगे पीछे कर दिया, कि सान्याय का अंग बाद में हो रहा था उसको पहले कर दिया, वो भी दूसरे दिन होता है, क्योंकि नहीं दूसरे दिन सान्याय का दोनों अंग का, आग्नेय का भी होगा सान्याय का भी होगा, तो सान्याय का जो अंग है वो पहले था उसको बाद में कर दिया, आग्नेय का बाद में था उसको पहले कर दिया, ठीक है ना। और प्रथम चतुर्दशी में जो करना है वो तो अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि दही जमाने के लिए एक दिन पहले रखना है, उस दिन तो जब होगा नहीं, इसीलिए तो वो तो पहले ही करना पड़ेगा। ये सागो छेदन वत्सापहरण और दोहन और दही जमाना इत्यादि जो है वो पहले दिन ही होगा, वो तो वहाँ चला गया, उसको बदल नहीं सकते, किंतु दूसरे दिन में बदल गया, दूसरे दिन में बदल के वो आगे पीछे करते, इससे आपका टाइम बचाना है ना, और हिसाब भी ठीक बैठना चाहिए, केवल टाइम बचने से होगा नहीं, कार्य भी ठीक ढंग से होना है, इसीलिए एक क्रम को ऐसा कर दिया। देखो तो अपूर्व नहीं होगा, कार्य तो हो गया, अपूर्व नहीं हुआ वो भी नहीं, इसीलिए ये अब देखिए कोई भी कार्य आप आगे पीछे नहीं कर सकते कर्म में ऐसा, इसलिए तो कर्म का इतना जो है नियम है, उसके जो बोला है वैसा ही करना पड़ेगा, उसमें आगे पीछे करने का कोई अवकाश नहीं है, तो जानकारी चाहिए, इसीलिए वो अंग जो पूर्व दिन का तो छोड़ दो, उसमें कोई व्यवधान नहीं, उस फर्क नहीं पड़ता है चतुर्दशी का, किंतु दूसरे दिन का पर दिन का उसको दो नंबर में लाया आग्नेय को और सान्याय को तीसरे नंबर में लाया। अब क्या हुआ फायदा कि सान्याय और आग्नेय का बीच में एक एक का व्यवधान रहा, आग्नेय के बाद सान्याय और उसका बाद आग्नेय अनुष्ठान, आग्नेय अंगों का अनुष्ठान के बाद बीच में सान्याय अंगों का अनुष्ठान और उसके बाद आग्नेय प्रधान यज्ञ का अनुष्ठान, एक का व्यवधान आ गया। किसका व्यवधान आया, व्यवधान किसका आया, सान्याय का व्यवधान आया, सान्याय अंगों का व्यवधान आया, इसी प्रकार सान्याय का अंगों का अनुष्ठान, फिर आग्नेय का प्रधान यज्ञ का अनुष्ठान, उसके बाद सान्याय का मुख्य यज्ञ का अनुष्ठान, इस प्रकार से एक का गैप बराबर बिठा दिया। एक नंबर कट जाने से चार यहां भी है, पहले भी चार है, इधर भी चार है, एक तो चतुर्दशी का पहले इसके साथ सान्याय आग्नेय के साथ संबंध नहीं है उसका, तो यही बात यहां बता रहे, इसी को इन्होंने वाक्यों में कहा। तो एवं च द्वयोर अभिधारणयोः स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, मुख्य क्रम से लेने से तुल्य एकांतरित व्यवधान होगा। व्युत्क्रमेण आधारे तो आग्नेय हविष अभिधारण आग्नेय यागयोर अत्यंतम अव्यवधान, ये आग्नेय हविष अभिधारण और आग्नेय जो याग है इसका अत्यंत अव्यवधान होगा। ऐन्द्रम दधि अभिधारणे ऐन्द्र याग, क्योंकि यहाँ अभिधारण को लिया गया है तो अभिधारण के लिए अलग इन्होंने पिछले पृष्ठ में दिया है, आग्नेय हविष अभिधारण और ऐन्द्र दधि अभिधारण, इसका जो क्रम दिया है वो भी ऐसे ही है, चार है, चार में आगे पीछे करके व्यवधान में लेने पर वो दोनों साथ में आएगा, दोनों दूर में हो जाएगा, आयंद्र का दोनों दूर में हो जाएगा, आग्नेय का दोनों साथ में आ जाएगा, और क्रम संबंध से लेने से पहले आग्नेय का उसके बाद में आग्नेय याग का एक व्यवधान रहेगा, आयंद्र अभिधारण का एक व्यवधान रहेगा, ऐसा क्रम बताया, इसीलिए व्युत्क्रमण नहीं करना चाहिए। तो ऐन्द्रम दधि अभिधारण ऐन्द्र यागयोर द्व्यंतरितम व्यवधानम तच्चायुक्तम, द्व्यंतरित व्यवधान आना ठीक नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके ये समान व्यवधान को लेना चाहिए। अब जो है ये पाठ्यक्रम से मुख्य क्रम दुर्बल है, पाठ्यक्रम लेने पर मुख्य क्रम लेने पर दोनों में से ये दुर्बल है, क्योंकि आगे है ही ये दिखा रहे सच मुख्य क्रम पाठक्रमा दुर्बल
मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कहा पाठक्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया न तथेदि बलवान् स चायं मुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमात् बलवान् प्रवृत्तिक्रमे हि बहूनाम् अङ्गानां प्रधान विप्रकर्षात् मुख्यक्रमे तु सन्निकर्षात् सच मुख्य क्रम पाठक्रम दुर्बल। वो मुख्य क्रम ये अभी बताया, ये पूर्व में जो पाठक्रम है पदार्थ पदार्थों का जो सन्निक पदार्थ विषयाणा सान्निध्य बोधक जो क्रम है वैसा उस क्रम से ये पाठक्रम से ये मुख्य क्रम दुर्बल होगा। दुर्बल होने का कारण क्या है कि पाठक्रम में संबंध ज़्यादा निकट है। जैसा पाठक्रम होगा स्वाध्याय क्रम जैसा क्रम से पाठक्रम है और पाठक्रम से वो स्वाध्याय पाठ को ही लिया जाता है। वो वहाँ दोनों को कहा गया है, वहाँ मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ दो कहा गया। वहाँ दिखाया है मंत्र पाठ से ब्राह्मण पाठ दुर्बल है, मंत्र पाठ मुख्य है ये दिखाया था। तो मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कहा कि मुख्य क्रम जो है प्रमाणांतर सापेक्ष है। ये प्रमाण यहाँ जितने कहे हुए उसका लेना है, क्योंकि मुख्य क्रम को लेने के बाद आपको स्वाध्याय क्रम को आश्रय लेना पड़ता। स्वाध्याय क्रम लेना पड़ेगा, उसमें भी वो मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ हो तो मंत्र पाठ को लेना पड़ेगा, उसको प्रधान के अनुसार ही फिर उसका क्रम का निश्चय होगा। तो ये सब आश्रय लेना पड़ेगा, प्रधान का क्रम का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रधान का क्रम का आश्रय पाठक्रम से आता है, तो पाठक्रम का आश्रय लेकर के ये अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। पाठक्रम तो स्वयं सिद्ध करेगा, क्योंकि पाठक्रम में केवल ब्राह्मण पाठ और मंत्र पाठ में पूर्वापर भाव दे करके निश्चय करते, इसीलिए ये दुर्बल हो गया ऐसा कहते कि प्रमाणांतर सापेक्ष प्रमाणांतर की अपेक्षा रखता हुआ जैसे प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया प्रधान के क्रम प्रधान मने प्रधान यागों का यहाँ क्रम ऐसा अब यहाँ आग्नेय और ऐन्द्र याग इत्यादि आया उस प्रकार अपेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कह विलंब से ज्ञान होने वाला है, विलंब से ही इसका ज्ञान हो सकता है, इसीलिए ये विलंब होने से दुर्बल हो गया। पाठक्रमस्तु किंतु पाठक्रम देखते हैं तो निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया कि अन्य किसी प्रमाण के अपेक्षा नहीं रखने वाला जो स्वाध्याय पाठ है, स्वाध्याय पाठ तो परंपरा से उसी क्रम से चलता है, ऐसा पाठ है वैसा ही चलेगा, इसीलिए उसी की अपेक्षा से निर्णय किया जाता है क्रम का निर्णय, इसीलिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया उसी के मात्र सापेक्ष होने से न तथा बलवान वैसा ये बलवान नहीं है। वो पाठक्रम बलवान है, वो मुख्य क्रम ऐसा बलवान नहीं। सचा ये मुख्य क्रम वो जो ये मुख्य क्रम है प्रवृत्ति क्रमात् बलवान और आगे आने वाले जो प्रवृत्ति क्रम है उससे ये बलवान है।
प्रवृत्ति क्रमे ही बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात मुख्य क्रमे तो सन्निकर्षात। कारण क्या है कि प्रवृत्ति क्रम को यदि लेते हैं तो बहुत अंगों का प्रधान के साथ विप्रकर्ष होगा। जैसा अभी दिखाया है आग्नेय और सान्याय में दिखाया कि यदि प्रवृत्ति क्रम के हिसाब से चलेंगे तो सान्याय के अनुष्ठान में दो का व्यवधान आए, आग्नेय अंग का और आग्नेय याग का दो का व्यवधान आएगा, इसीलिए प्रवृत्ति क्रम नहीं लेंगे। जो पहले दिखाया है वो ग्राफ है प्रवृत्ति क्रम का, दूसरे वाले मुख्य क्रम का है। मुख्य क्रम में समान व्यवधान आएगा इसलिए सन्निकर्षा ज्यादा सन्निकर्ष रहेगा, इस कारण से क्रम के विषय में ये प्रवृत्ति क्रम से बलवान होता है। अब प्रवृत्ति क्रम का लक्षण है सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपदादितानाम अंगानाम आवृत्त्यनुष्ठाने कर्तव्ये। द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमादि अक्रमः स प्रवृत्ति क्रमः। यथा प्रायजापत्य पश्वंगेषु प्राजापत्याहि वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्दीति वाक्येन। तृतीयादिनिर्देशात् सेति कर्तव्यताः एककालत्वेन विहिताः। अतस्तेषां तदंगानां च उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां साहित्यं संपाद्यम्। सह ये प्रवृत्ति क्रम है। ये प्रवृत्ति क्रम का लक्षण में कहते हैं कि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु अनेक प्रधान याग है और उनका साथ साथ प्रयोग होने का है। ऐसे स्थिति में सन्निपादिनाम अंगानाम आवृत्ति अनुष्ठान, ये सन्निपादिनाम अंगानाम का अर्थ है जो पहले कहा गया था आराध उपकारक सन्निपत्य उपकारक, तो सन्निपत्य उपकारक अंगों को सन्निपादि अंग कह रहे हैं। तो सन्निपत्य उपकारक अंगों का आवृत्ति अनुष्ठान में उसको आवृत्ति करके अनुष्ठान करना, मतलब अनेक प्रधान याग है उसका सब सन्निपत्य उपकारक है, तत्त सन्निपत्य उपकारक रहेंगे, उन सन्निपत्य उपकारकों को बार बार करना पड़ेगा, एक एक के साथ जोड़ के करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में ठीक है तो सन्निपत्य उपकारक क्या है, सन्निपत्य उपकारकों का प्रधान के साथ जब संबंध करेगा उसको अनेक प्रधान के रहने पर, तभी ये प्रवृत्ति क्रम होता है। अनेक प्रधान नहीं है तो प्रवृत्ति क्रम की आवश्यकता नहीं होती। अनेक प्रधान याग एक साथ अनुष्ठान करना हो, बहुत बड़े बड़े याग होंगे, जैसा अब यहाँ उदाहरण दिया ये वाजपेय याग है, वाजपेय याग है, वाजपेय याग
ज्योतिषोम का विकृति याग है, जैसा सोम याग आया वैसे ही वाजपेय याग भी है। हाँ, वाजपेय याग का अनुष्ठान करने वाले को वाजपेयी बोलते हैं। हाँ, जो वाजपेयी है ना, वो वाजपेयी याग का अनुष्ठान उनको पूर्वज ने किसी ने किया, वो तब से नाम लेकर के वाजपेयी बना है। वो बाद में जो सोमयाग करते हैं उनको सोमयाजी बोलते हैं, उनके नाम के पीछे सोमयाजी लगता है, क्योंकि सोमयाग करना, पूरा विधिवत करना बहुत बड़ा काम है। तो जितना सोमयाग ज़्यादा अनुष्ठान करता है उसका क्वालिफिकेशन उतना बढ़ जाता है। जैसा आजकल जितने ज़्यादा पीएचडी है उनको लगते हैं ये पीएचडी वो पीएचडी, ऐसे ही होता है। वहाँ पीएचडी कुछ नहीं, जितना किया उतने में उनका महत्व तो लगता है। एक सोमजाई, दो सोमजाई, जितना होगा और अच्छे ज़्यादा होने पर उसके नाम से फिर वो परंपरा चलेगी, पूर्वज जाएगा। ऐसे ही वाजपेयी याग किया हो तो वाजपेयी बनता है। वो वाजपेयी बोलना चाहिए था, हिंदी वाले वाजपेयी बोलते हैं, लेकिन है वो ही है। ये वाजपेयी याग के विषय में है। तो ज्योतिषोम के अंग होने से ये पशु याग है, और इसमें बताया कि बहुत सारे पशुओं को मारना पड़ता है। अब ये सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, अब उसमें अनेक याग है और प्रधान याग के साथ तत्त्व का संबंध है। इसमें जो पहले वाले में तीन था, इसमें 17 पशु है, सप्तदिशा हिसाब करना पड़ेगा। अनेक अंग है और अनेक अंग में पूरे पंक्ति में उसको बिठाएंगे। कल हम पंक्ति की बात कर रहे हैं ना, ये पंक्ति का क्रम इसी से ही मालूम होता है कि पंक्ति में करने का कार्य कैसा होना चाहिए। सबको सब करना है। अब वो तीन में वहाँ समस्या हो रही थी, यहाँ तो अभी 17 है, 17 में तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। एक को सबको सन्निपातन अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जैसा उपाकरण है, पर्यग्निकरण है, युव नियोजन है, इत्यादि सब पे करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में, मतलब यही स्थिति में ही प्रवृत्ति प्रमाण के कार्य होगा। अनेक प्रधान याग हो और अनेक सन्निपत्य पतित अंग हो उस स्थिति। आवृत्ति अनुष्ठान है, उनको आवृत्ति करके अनुष्ठान करना पड़ेगा। अभी एक एक पशु के साथ इन अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसे में इनके कर्तव्य होने की स्थिति में द्वितीय आदि पदार्थान, कि जैसा अभी 10 है या 17 है, उसमें दूसरा से लेकर के, पहले वाले में तो समस्या नहीं है, वो तो एक काल में कर दिया तो हो गया, किंतु द्वितीय आदि पदार्थान, अब दूसरे से लेकर के जो अनुष्ठान करेंगे उसका प्रथमा अनुष्ठित पदार्थ क्रमाद्य क्रम, प्रथमा अनुष्ठित पदार्थ क्रम से जो क्रम लेगा वो क्रम को प्रवृत्ति क्रम कहा जाता है। मतलब कि पहले में आप विकल्प होगा, दो विकल्प रहेगा आपके पास। जैसा आपके पूरे लाइन में 17 बैठे हुए हैं, उनमें से एक में आपने सारा अंगों का अनुष्ठान किया, दूसरे में सारा अंगों का अनुष्ठान किया, तीसरे में सारा अंगों का अनुष्ठान किया, ऐसा करके जा सकता है। अब समझ लिए आपके पास अभी 4 अंग है, समझ लो तो 4 अंगों का एक के साथ अनुष्ठान कर दिया, दूसरे का दूसरे का अनुष्ठान कर दिया, तीसरे के साथ तीसरे का अनुष्ठान कर दिया, 4-4 करते करते एक एक में फिनिश करते हुए जाना। तो एक तरीका तो ये हो सकती है। दूसरा तरीका क्या हो सकती है, ये 17 खड़े हैं तो 4 अंगों का अनुष्ठान करना है, सन्निपत्ति उपकार 4 है, उसमें से एक अनुष्ठान एक को किया और वही एक जो अंग है उसी का अनुष्ठान दूसरे में किया, फिर तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवे में किया, ऐसे चौदहवें में किया, ऐसा किया। जैसा हम परोसते हैं, हाँ, मीठा परोसना शुरू करते हैं तो पहले मीठा सबको भरोसा जाएगा, ऐसा भी कर सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका, ये एक व्यक्ति के पास गया, उसको पहले मीठा दिया, फिर चावल दिया, सब्जी दिया, दाल दिया, पानी दिया, जो भी सब देना है, घी दिया, सब कुछ दो जो देना है सब कुछ उसको पूरा कर दिया, फिर दूसरे के पास आ गए, ऐसा भी कर सकते, ये भी ऐसा भी परोसा जा सकता है। तो ये दोनों में विकल्प है। अब यहाँ प्रवृत्ति क्रम से निर्णय लेने से फायदा बताएंगे कि ऐसा करने पर, क्योंकि यहाँ भी साहचर्य नियम देना है, देखना है और विलंब नहीं करना है, कई चीजें होता है, यही कह रहे। इसलिए द्वितीय आदि पदार्थ आना, दूसरे नंबर से जितने पदार्थ खड़े हैं उनका जो क्रम है प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद्य क्रम, प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रम से जो क्रम का निर्णय लिया जाता है उसको प्रवृत्ति क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो यहां सह अनुष्ठीयमान और सन्निपत्य उपकारक दो का यहां विचार रखा गया है। इस दृष्टि से आगे उदाहरण देंगे। यथा प्राजापत्य पश्वंगेशु, एका
जैसे प्राजापत्य संबंधी पशु अंग है, पशु पशु का जो अंग पशु धर्म जो कहा गया था पहले, पशु अंग मन उपाकरण आदि, उपाकरण आदि जो कार्य है कि यहाँ उपाकरण है, फिर नियोजन है, पर्यग्निकरण है, फिर संयमन है। इसका मतलब एक तो उपाकरण, उसके बाद पर्यग्निकरण दो, और नियोजन व्यूप नियोजन तीन, और संयमन चार, चार अंग बनेगा एक एक। अच्छा, प्राजापत्या ही, प्राजापत्या मैंने प्रजापति संबंधी, यहाँ तद्धितार्थ से देवता का निर्देश हुआ, देवता का निर्देश तद्धितार्थ से हुआ है। चतुर्थी से संप्रदान से भी होता है, तद्धितार्थ से भी होता है, मंत्र से भी देवता का विधान होता है। यहाँ तद्धितार्थ से प्रजापतेरावत्यम प्राजापत्य ऐसा किया, प्रजापति संबंधी ऐसा किया है, देवता संबंधी है, अवत्य अर्थ में नहीं है, देवता संबंधी में। तो वैश्व देवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति इति वाक्येन, वहाँ वाक्य आया कि पहले आप वैश्वदेवी करना चाहिए, वैश्वदेवी नाम की क्रिया, उसको करने के बाद वैश्वदेवी याग है वहाँ, वैश्वदेवी याग करने के बाद कृत्वा, ये श्रुति के द्वारा क्रम मालूम हो रहा है, वैश्वदेवी के बाद कृत्वा आया ना, त्वा प्रत्ययांत, तो त्वा प्रत्ययांत पूर्व और उत्तर का एक ही संबंध दिखाएगा। पहले कहा था श्रुति का लक्षण में क्या कहा था, क्रम परवचनम श्रुति ही, ये क्रम परवचन आ गया कृत्वा, इसका मतलब वैश्वदेव के बाद वो हो गया। प्राजापत्ये चरंती, ये प्राजापत्ये तृतीया लिया, चरंती उसका प्रयोग करना है, विनियोग करना है। तो प्राजापत्ये तृतीया आने से तृतीया श्रुति के द्वारा यहाँ संबंध हो जाएगा, मनांगांगी भाव हो जाएगा। वाक्य न तृतीया निर्देशात, ये तृतीया निर्देश करने के कारण से इति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। अब यहाँ समस्या देखिए, प्राजापत्य ही चरन्ति कहा, प्राजापत्य यहाँ बहुत सारे हैं, 17 है, ये इनके साथ में प्रजापति देवता के लिए ये जितने भी पशु है इन सबको साथ में करने के लिए बहुत, अब इन सबको साथ में कैसे करें, तभी ये तृतीया श्रुति सार्थक हो, क्योंकि तृतीया श्रुति अंग अंगी बहुत कराता है, तो उसके वो देवता है वो संयमन रूप कर्म करना है, बलि देना है, वो बलि देने के लिए जो कर्म है उसका ये अंग बनेगा, तो इसीलिए अब वो सब साथ में करने के लिए बोला है। साथ में लाएंगे कैसे, 17 को साथ में लाना संभव नहीं, उसका अंग क्रिया सब करके लाना पड़ता है, इसीलिए ये समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो प्राजापत्ये चरन्ति इति वाक्येन तृतीया निर्देशात, तृतीया निर्देश करने से इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता के साथ मतलब अंगों के अनुष्ठान के साथ, इति कर्तव्यता बताया शाब्द बोध में इति कर्तव्यता बता जब आजादी का ज्ञान कर्म है, इसी पहले अंग बोध के साथ एक कालत्वेन विहिता, ये है एक काल में करना है ऐसा मालूम पड़ता है, एक काल में करना, क्योंकि साथ में लिया गया उनको, ये बहुत मुख्य है, साथ में खिलाओ बोला, जैसा आप लोग बोलते हैं ना सबको साथ में खिलाओ, ऐसा बोलने पर ये साथ में खिलाओ ये मुख्य होता है। अब उसको साथ लाया कैसे जा सके, तो क्रम से ही लाया जा सकता और कोई नहीं है, मतलब निश्चित व्यवधान से ही साथ में लाया जा सकता। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, जो भी साथ में होता है निश्चित व्यवधान से होता है, दूर दूर में होगा तो हम उसको साथ में हुआ नहीं मानते, है ना, साथ में होना मतलब निश्चित व्यवधान में होना चाहिए, तो कार्य निश्चित हुआ है तो साथ में हुआ माना जाता है, इसलिए आप संध्या वंदन आदि से लेकर सभी क्रिया में ये लागू है। संध्या वंदन के लिए आपने स्नान करने गया, अभी हमारे वहाँ सब पहले दिखाई पड़ता था, आजकल तो नहीं दिखाई पड़ता, संध्या वंदन के लिए स्नान करने गया, स्नान में नदी में तालाब में जहाँ भी जाकर स्नान कर, स्नान करने के बाद उसका टाइम है, इतने के बाद संध्या के में बैठ जाना है, उसके बाद उसको अर्घ्य देना इत्यादि करना है, स्नान करके इसके बीच में कोई कार्य नहीं कर सकते, बीच में कार्य करेंगे तो दोबारा जाके स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो व्यवधान हो गया, अब वो एक काल नहीं माना जाएगा, उसका ये अंग नहीं बनेगा, इसलिए हमारे वहाँ जो ब्राह्मण लोग होते थे अब कई बार देखे हैं, वो पहले जाएंगे वो स्नान करके आएंगे, अब गलती से कोई रास्ते में मिल गया, कोई बात किया, कुछ हो गया, फिर दोबारा जाएंगे स्नान करके,
फिर हो गया तो गलत हो गया, उसमें नहीं जा सकते, ऐसे नियम है। और लोग जो है बाहर देखने वाले क्या सोचते हैं, ये पागल है, ये हमारा नंबूदरी जो है उसका तो खोपड़ी ठीक नहीं, वो स्नान करके आया फिर वापस जाता, ऐसा दिखाई पड़ता है। वो लोग तो जानते नहीं कि क्यों ऐसा बार बार कर रहा है, क्योंकि वो एक अकाली नहीं मारा है, ये है। अब उनको भी पूछेंगे, आजकल के नंबूदरी लोगों को भी पूछेंगे तो वो लोग भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये नहीं जानते, किंतु इतना जानते हैं कि स्नान करने के बाद बीच में किसी से बात किया, कोई और काम आ गया, कोई बीच में आकर के कुछ व्यवधान किया तो वो अशुद्ध हो जाता है, फिर वो क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं, दूसरा करना पड़ेगा, इतना उसको मालूम है, किंतु क्यों कर रहा है ये नहीं मालूम है, उसका अंतरार्थ मालूम नहीं, क्योंकि मीमांसा नहीं पड़े। ये तत्वज्ञान इसी से फॉलो होगा ना, इसका तात्पर्य क्या है। इसीलिए वहीं से लेके संध्या में जब स्नान करने गया, उधर से लेके आपके संध्या पूरे होने तक वो संध्या काल माना जाएगा, वो सारे वो संध्या के अंग है, वो सब मिलकर के एक होता है, तभी संध्या पूरी होती है। इसके बाद में आप फोन में बात किया, मैसेज देखा, फिर व्हाट्सअप किया तो सब गया, फिर दोबारा जाके स्नान करना पड़ेगा, यदि नियम से पालन करना है तो ऐसा है, ये इसी से मालूम हो रहा है, क्योंकि विधान एक काल में कहा गया। अब अनेक कार्य करना है, एक काल में कैसे संपन्न हो सके, इसीलिए कहते हैं कि एक कालत्वेन विहिताः, एक काल में विहित, इसीलिए संध्या में शुरू होने के पहले फोन फूट सब बंद कर देना, और संध्या होने के बाद ही फोन खोलना, बीच में रखना नहीं। अब फोन घंटी बजने पर भी आप विसर्जन हो जाते, मन वहाँ चले जाएगा, इसीलिए बंद करना चाहिए, उसके बाद खोलो जब आप बाकी समय में रहते हैं। तो जब विहित कर्म कर रहे हैं तो विहित काल विहित कर्म के लिए ही होता है, अन्य कार्य उसमें यहाँ तक दूसरा विचार भी नहीं लाना चाहिए। अब विचार तो हमारे वश में नहीं आ जाता है, चला जाता है, क्या करें, फिर वो गोविंदाय नमः नारायणाय नमः बोल के उसको प्राचित कर लेना है, किंतु वो दूसरा कार्य में जाना नहीं, संध्याकालीन कार्य संध्याकाल में ही होना चाहिए, और आपत्ति आ गया तो फिर गया तो फिर दोबारा उसको करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक माना जाएगा। ये बहुत मुख्य है यहाँ, इसलिए मनमाना नहीं चलेगा, यहाँ कार्य शुरू किया फिर आप इधर उधर गया, ऐसा नहीं चलेगा, वो करके ही आगे आगे करना है। अतस्तेषां तदंगानां, इसीलिए उनका अंगों का उपाकरण नियोजन प्रभृति नाम, केवल नाम दे दिया, उपाकरण नियोजन आदि का साहित्यम संपाद्यम। अब ये समस्या आ गई कि इन सबका एक साथ करने की तरीका ढूंढनी पड़ेगी, एक साथ कैसे किया जाए। अब उसके लिए फिर आगे बता रहे हैं कि सप्त, ये जो प्राजापत्य के विषय में है तो यहाँ 17 सप्तदश प्राजापत्यान पशुना लभदे, ये वाक्य आया 17 पशुओं का आलभन होगा यहाँ। तच्च प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवतागत्वेन युगपद अनुष्ठानादुपपद्यते। तच्च प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवतागत्वेन युगपद अनुष्ठानादुपपद्यते। तच्च, ये जो साहित्य है, एककालीन तंत्रेण अनुष्ठान साहित्य है, साहित्य शब्द आया, हाँ, ये साहित्य शब्द अन्यत्र दूसरे भी शब्द में प्रयोग होता है, यहाँ साहित्य का बहुत महत्व है, क्योंकि विधान में जो प्रत्यय आया है, बहुवचनादि प्रत्यय आया, उसके अनुसार है, तृतीया में ये बहुवचन भिस विभक्ति है, वहाँ प्राजापत्यई है ना, उसी से बहुवचन आया है, तो उसमें तृतीया है, वो अंग बन रहा है, और उसको साथ साथ करना है, ये स्थिति आ गई है, अनेक वस्तु है साथ साथ कैसे करेंगे। तच्च, तब जो है प्राजापत्य पशुना, प्राजापति प्रजापति संबंधी देवता जितने पशु है उनका जो उपहार है जितने भी है, संप्रतिपन्न देवताकत्वेन, वो संप्रतिपन्न देवता है, मतलब ये देवता प्रजापति संबंधी है, सभी जानते हैं कि एक देवताकत्व हो गया, तो देवता अनेक होने पर कर्म अनेक हो जाता, फिर वहाँ साहित्य अलग हो जाएगा, किंतु यहाँ देवता रूप से साहित्य हो गया, समझ रहे हैं ना, प्राजापति देवता के लिए सारे है, तो ये एक देवतागत्व है ना, साहित्य हो गया, इसलिए संप्रतिपन्न देवतागत्व है, संप्रतिपन्न मैंने जान लिया है, सब जानते हैं,
किसका? वो प्राजापति देवता के लिए वाजपेय याग में इतने सारे पशु होते हैं ऐसा जानते। और देवदागत्व ना युगपद अनुष्ठानाद उपपद्यते, युगपद अनुष्ठान से ही ये होना संभव है। तो युगपद अनुष्ठान किस क्रम से हो और इतने सारे पशुओं का युगपद अनुष्ठान होना है, इसके विषय में कह रहे हैं कि यहाँ अब देखिए याग तो कर रहे हैं प्रजापति याग, उसमें इतने सारे पशु हैं, तो ये पशुओं को वहाँ जो अन्य पुरोणाशादी है इत्यादि के समान पशुओं को भी वहाँ बलिदान में रखा गया। और वेद में स्पष्ट है पशु बलि बहुत है और सबसे ज़्यादा अश्वमेध याग में है। अश्वमेध याग में वो लगभग जो है 300 कितना पशुओं का है सब मिला करके, वो कोई एक साल तक चलता है। तो एक बार हमने हिसाब किया था 300 से आगे है, 365 ऐसा कुछ है, इतने सारे आता पूरा इसमें दिया करने में। तो अब जो है ये बहुत समस्या है, लोगों ने ये देखा कि ये कैसे हो रहा है, कि क्यों कर रहा है, इतने पशु को क्यों मार रहे हैं। इससे कई लोग नाराज हो गए, कई लोग इसको छोड़ दिया, जैसा बुद्ध के कहानी में इसे कहा उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि ये संयमन जो बलिदान है इसको उन्होंने माना नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल भी लोग बोलते हैं इसका क्या तात्पर्य है नहीं समझते, किंतु इसका बहुत तात्पर्य है। ये पशु बलि जो कर रहे हैं विजयसा पुरोड़ा दीदी आदि कर रहे हैं, सबका अपना अपना स्थान है, पशु बलि का भी अपना स्थान है। और कई लोग इसलिए क्या बोलते हैं कि वेद की रक्षा करना है, वेद में ऐसा नहीं कहा है करके, ये पशु आदि जो शब्द आए हैं या जो इतने भी जब स्पष्ट रूप से आया है इसको सब घुमाते भी हैं, अपने ढंग से उसको अलग व्याख्या करते हैं। बिल्कुल गलत है कि ये है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आगे जब आप जैमिनी सूत्र देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से है, और सभी शब्द का अर्थ दूसरा ढंग से करना बिल्कुल गलत है, ऐसे संभव नहीं। अब इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा कि पूरा याग अब किसके लिए कर रहा है, किसको उद्देश्य करके किसको कर रहा है, कौन अधिकारी है, उसके मन में क्या बैठा हुआ है, उसके मन में वो संस्कार कैसे आ रहा है, वो संस्कार से उसको बाहर कैसे लाना, ये लंबा उसका प्रोसेस है। अब यहाँ मांसाहार और हिंसा अथवा इत्यादि के बारे में विचार नहीं है। मांसाहार हिंसा करना या अहिंसा करना, अहिंसा तो परमो धर्म है, ये तो है ही, ये सामान्य विधि है, उत्सर्ग विधि है वो, किंतु ये विशेष विधि में आता। विशेष विधि सब हर जगह उत्सर्ग को बाध करता है। माहिंसा सर्वा भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, उस विधि में ही ये तीर्थेभ्यः जोड़ दिया, तीर्थ माने ये यागों को छोड़ करके। अब वहां हमने बताया था कि ये याग जो है चतुर्थाध्याय के विषय में बताया था कि चतुर्थाध्याय में पुरुषार्थ और क्रदुअर्थ दो आया, ये पुरुषार्थ और क्रदुअर्थ और उभयार्थ तीन है। ये पुरुषार्थ और क्रदुअर्थ के विषय में है, ये दोनों मिला करके रखना चाहिए। अब इसमें अब पुरुषार्थ जब लेते हैं, पुरुष यदि इसको करना चाहता है, उसका फल चाहता है, तब जो है वो उसके विधान के अनुसार करेगा, ठीक है। और पुरुष यदि नहीं चाहता है तो उसको कोई रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं, नहीं चाहता है काम्य कर्म करना, नहीं चाहता इसके लिए कोई है नहीं। और काम्य कर्मों में ही ये पशु बलि है, नित्य कर्मों में नहीं है। तो नित्य कर्म तो सबके लिए विहित है और काम्य कर्म जो करना चाहता है उसके लिए विहित है। तो यदि वो करना चाहता है तो उसके लिए ये सब विधान करना। और क्रदु जब आरंभ करते हैं तो इस नियम के अनुसार क्रदु अंतर्भूत जितने कार्य हैं सारे उसमें करना ही पड़ेगा, जो विधान किया गया करना पड़ेगा। अब इन विधानों से संस्कार की उत्पत्ति और इसका क्या फल है, इसमें यागांगत्व मतलब ये याग कैसे बन रहा है, जो स्वत्व त्याग में याग कैसे बन रहा है इत्यादि का विचार करना है। इसमें क्या तात्पर्य है, इसका कुछ तात्पर्य है इसको बताएंगे, आज समय हो गया फिर, क्योंकि आगे एक दो प्रसंग में और आएगी इसकी चर्चा, बाकी तो यहाँ है। उसके बाद अश्वमेध के बारे में इसमें चर्चा नहीं है, अश्वमेध तो सबसे विस्तार वाला याग अश्वमेध है और उसमें ज़्यादा सब सभी ढंग से वो बहुत बड़ा याग है, इसलिए पुण्य में भी उसको सबसे बड़ा माना गया है कि कर्मों में अश्वमेध जैसा कोई पुण्य नहीं, क्योंकि अश्वमेध ही एक ऐसा याग है जिसको करने से आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, अन्य किसी कर्म से ब्रह्मलोक नहीं जा सकते।
इतना बड़ा है, लेकिन ऐसा होता हुआ भी इसमें इस प्रकार की क्रिया है। इसका कुछ तत्व है जो विचार करना, मतलब समझ लेना चाहिए, नहीं तो आपको भी भ्रम हो जाएगा। अभी इतने पशुओं को सारे लाइन में खड़ा करके एक एक को मारना, ये समझो के समझे पर करना, ऐसे तो याद भी कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, तो ये समझना चाहिए। तो थोड़ा बता देंगे उसके बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।